गुड मॉर्निंग और लक्ष्मी, आज हम हमारे लेसन की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हम हाफ लेसन की रीडिंग कर चुके थे। नेक्स्ट है कमिटी सर्विस। इन मैनी विलेज एंड इवन इन सिटीज ऑन द रोड साइड, क्या बता रहा है इसमें कि बहुत सारे गांव और शहरों में क्या है, रोड के साइड में क्या है, पानी को सर्व किया जाता है, पानी भरकर रखा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्याओ। उसको क्या बोलते हैं हम, प्याओ। सम पीपल ऑर्गेनाइज फ्री वाटर कैंप्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। कुछ लोग क्या है, ये जो पानी होता है वो फ्री कैंप्स टू प्रोवाइड, लोगों को क्या है फ्री में इनके कैंप्स प्रदान करते हैं, या ये क्या होती है वो फ्री सर्व करते हैं इनको, जिसको हम क्या कहते हैं, प्याऊ कहते हैं। तो क्या बताया इसमें कि गांव और शहरों में कई जगह क्या है, रोड के साइड में क्या बना दिए जाते हैं, पानी के टैंक बना दिए जाते हैं, जिसमें क्या है पानी फ्री में दिया जाता है, उनको फ्री में प्रदान किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्याऊ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स क्या होता है, सिंचाई। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। सिंचाई का मतलब क्या है, पानी कहाँ पर सप्लाई करना, अनाज में, हमारी फसलों में। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर रिले ऑन रेज फॉर इरिगेशन। भारत में क्या है, अधिकतर लोग किस पर डिपेंड होते हैं सिंचाई के लिए, बारिश पर डिपेंड होते हैं। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिपेंड ऑन रेन्स थ्रो आउट द ईयर, परंतु क्या है पूरे साल बारिश पर निर्भर रहते हैं। क्या है कि पूरे साल बारिश तो नहीं होती है, ये संभव नहीं है कि किसी साल बारिश हो या किसी साल नहीं हो। सो आर्टिफिशियल मींस आर मेड टू वाटर द क्रॉप्स टाइमली। इसलिए क्या है, कृत्रिम तरीके से सिंचाई करते हैं लोग फसलों में, जो फसल होती है उनको टाइम टाइम पर, जिस समय उनको टाइम होता है सिंचाई करने का, उस पर वो कृत्रिम उद्योग से देते हैं पानी। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। अलग अलग अनाज को, अलग अलग फसलों को क्या है, एग्जाम्पल क्या थे हमारे, कि जो चावल होते हैं उनमें क्या है,
बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती होनी चाहिए चावल की फसल को। मिलेट्स को क्या है, अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो वीट है उसको क्या है, गेहूं को सही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती, ना ज्यादा और ना ही कम। क्रॉप्स लाइक सुगर कैन, रबर एंड टी रिक्वायर वेरी मच लेस वाटर। और वो अनाज फसल जैसे सुगर कैन, रबर और टी, इनको क्या है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन। वो डिवाइस जो हम क्या है सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। क्रॉप्स आर इरिगेटेड बाय डिफरेंट मीन्स लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स एंड टैंक्स। सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन आर डिस्कस्ड बिलो। क्या बताया गया है कि सिंचाई फसलों में सिंचाई के लिए अलग अलग सोर्सेस होते हैं, जैसे कुएं, ट्यूबवेल्स, नहर, टैंक्स। ये सब क्या है, अलग अलग डिवाइस है जो क्या है हम फसलों में पानी देने के लिए यूज करते हैं इनका। कुछ क्या है, कुछ डिवाइस जो हम सिंचाई के लिए उपयोग में करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इरिगेटिंग फील्ड बिकॉज बाय द मेथड वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड द पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इट सीम्स लाइक एज इफ रेन इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या बताया गया है, स्प्रिंकलर मीन्स क्या है, फवारों से खेतों में सिंचाई देना, ये क्या है, सबसे अच्छा मेथड है सिंचाई का, क्योंकि इसको क्या है, ये ऐसा मेथड जिसको एक रो में लगा दिया जाता है रेगुलर इंटरवल में पाइप्स के द्वारा। और क्या है, कैसा लगता है, जैसे बरसात की तरह इसमें पानी गिरता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर व्हील। ए वाटर व्हील हैज ए लार्ज व्हील माउंटेड वर्टिकली ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस। नंबर ऑफ प्लेड्स और बकेट्स आर अरेंज्ड इट्स आउटसाइड रिम फॉर्मिंग द ड्राइविंग सरफेस। व्हेन द फ्लोइंग वाटर स्ट्रिक्स द बकेट्स द व्हील रोटेट्स। द वाटर फ्रॉम द बकेट्स फॉल ऑन द अदर साइड एंड इज डायरेक्टेड टू इरिगेट फील्ड्स। क्या बताया इसमें, जो वाटर व्हील होता है उसमें ये क्या है, ये बहुत बड़ा पहिया होता है जो वर्टिकली हॉरिजेंटल एक्सिस पर, पहिया कैसा होगा, वर्टिकली कैसे रखा हुआ होगा, ये हॉरिजेंटली एक्सिस पर इसको अरेंज किया जाएगा। फिर क्या है इसमें, क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स या बाल्टी को अरेंज किया जाता है, किसके थ्रू इससे पानी लिया जाता है, रिम की सहायता। इट्स आउटसाइड रिम फॉर्मिंग द ड्राइविंग सरफेस। व्हेन द फ्लोइंग वाटर स्ट्राइक्स द बकेट्स, जब क्या है पानी तेज बहाव से किस पर हमला करेगा, बाल्टी पर, तो क्या होगा, पहिया रोटेट करेगा। उसके बाद क्या बताया, और फिर जैसे ही पहिया रोटेट करेगा तो जो बाल्टी है उसका पानी क्या है, अदर साइड बाहर जाकर गिर जाएगा, जिसको हम किसके लिए उपयोग करेंगे, सिंचाई के लिए उपयोग करेंगे। तो वाटर व्हील में क्या बताया है कि जो वाटर व्हील होता है वो बड़ा पहिया होता है, कैसे अरेंज होता है वो, पहिया कैसा होगा, वर्टिकली कैसे एक्सिस पर उसको अरेंज किया जाएगा, हॉरिजेंटल एक्सिस पर उसको अरेंज किया जाएगा। फिर क्या है, उस पर नंबर ऑफ बकेट्स अरेंज किए जाते हैं, नंबर ऑफ बाल्टीज अरेंज की जाती है, रिम के साथ, बाहर की साइड रिम के साथ की जाती है। फिर क्या बताया कि जैसे ही तेज बहाव के कारण जो पानी होगा वो हमला करेगा किस पर, बाल्टी पर। बाल्टी पर हमला करने के बाद जो पहिया है वो रोटेट होगा, उसके बाद क्या होगा, रोटेट होने के बाद बाल्टी में जो पानी था वो अदर साइड जाकर गिर जाएगा। और फिर क्या है, ये पानी हम किसके लिए यूज करेंगे, इरिगेटेड के लिए, इरिगेशन के लिए यूज करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा वाटर पंप. ए वाटर पंप इज एन इलेक्ट्रिक पंप दैट इज यूज टू ड्रा अंडरग्राउंड वाटर विच इज डायरेक्टेड इनटू वाटर चैनल्स टू इरिगेट द फील्ड्स. वाटर जो पंप है वो क्या है, कैसा पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है. कैसे यूज किया जाता है उसको, जो भूमिगत जल होता है नीचे से उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है. और फिर वो जल को हम निकाल कर किस में यूज करते हैं, इरिगेट द फील्ड्स, खेतों में सिंचाई के लिए उस जल का उपयोग किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा विंड मिल, पवन चक्किया. ए विंड मिल इज ए डिवाइस दैट यूजेस विंड एनर्जी टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल्स विच इज डायरेक्टेड टू द इरिगेट द फील्ड्स. अगेन इसमें क्या बताया है कि जो विंड मिल होती है वो क्या, पवन चक्की कैसा डिवाइस है जो पवन ऊर्जा लेकर और क्या करती है, कुओं से पानी निकालने में हमारी सहायता करती है. और फिर उस पानी को हम किसके लिए यूज करते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए यूज करते हैं. ये क्या था हमारा लेसन, लेसन 12. क्या क्या पढ़ा है इसमें, लेसन का नेम था वाटर फॉर लाइफ. इसमें पढ़ा सोर्सेस ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, स्टेप वेल्स और बावलीज, पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम. आज हमने क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज और वाटर फॉर इरिगेशन. अभी इसकी एक्सरसाइज देखो. आज हम इसकी एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है ए ब्लैंक इज लाइक ए बिग टैंक विच हैज स्टेप्स ऑन All its sides. एक बड़ा टैंक किसको कहते, किसकी तरह होता है, वो बाउली की तरह होता है, क्या जिसमें क्या होते हैं, ऑल साइड्स के, इसके सभी साइड्स में स्टेप सीढ़ियां होती है, स्टेप्स होते हैं. तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बाउली. स्पेलिंग क्या होगा इसका, बी ए ओ L I बोली. सेकेंड है ब्लैंक इज ए वेरी गुड मेथड ऑफ इरिगेटिंग फील्ड. सबसे अच्छा मेथड क्या बताया खेतों में सिंचाई करने का, स्प्रिंकलर. सेकेंड में क्या आ जाएगा, स्प्रिंकलर. सेकेंड का होगा स्प्रिंकलर. स्पेलिंग क्या होगी इसकी, S P R I N K L E-R. थर्ड है हमारा क्रॉप्स लाइक ब्लैंक एंड ब्लैंक रिक्वायर लेस वाटर. वो अनाज किस जिसमें क्या है, कम पानी की आवश्यकता होती है, कौन कौन से हैं, सुगर कैन एंड रबर. थर्ड में क्या आ जाएगा, सुगर कैन एंड रबर. स्पेलिंग क्या होगी इसकी, S U G A R C A N E रबर की, R U डबल B E R. फोर्थ है हमारा A blank has a large wheel mounted vertically on a horizontal axis. सबसे बड़ा पहिया कैसे, वर्टिकली और कैसे रखा हो, horizontal axis पर वर्टिकली उसको अरेंज किया गया हो, क्या होता है, वाटर व्हील. फोर्थ में क्या जाएगा, वाटर व्हील. स्पेलिंग क्या होगी, डब्ल्यू ए टी ई आर डब्ल्यू एच डबल ई एल. तो ये क्या थी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट में क्या था, बाउली बी ए ओ एल आई. सेकंड में स्प्रिंकलर S P R I N K L E
आर, थर्ड में सुगर कैन एंड रबर, एस यू जी ए आर सी ए एन ई, रबर की स्पेलिंग आर यू डबल बी ई आर, फोर्थ है वाटर व्हील, वाटर व्हील की स्पेलिंग डब्ल्यू ए टी ई आर डब्ल्यू एच डबल ई एल। लेसन की रीडिंग और इसके फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए सभी को?